नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज बात प्रदेश की वीवीआईपी में शामिल झोटवाड़ा विधानसभा सीट की करेंगे। मंत्री लालचंद कटारिया के कामकाज से क्षेत्र की जनता कितनी खुश है, विकास को लेकर जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए स्थानीय विधायक, तमाम सवालों के साथ विधानसभा सीट के हर समस्या की करेंगे जमीनी पड़ताल। पहले आप देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा सीट प्रदेश के हॉट सीटों में से एक है। यहां विकसित ग्रामीण भारत की झलक देखने को मिलती है। कभी मूलभूत सुविधाओं को तरसने वाला झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आज सुसज्जित राष्ट्रीय मार्ग, आलीशान इमारतों और वीआईपी फार्म हाउसों में तब्दील हो गया है। ब्रह्मा जी और ख्वाजा की दर से लौटने के बाद जयपुर में प्रवेश करते समय इस विधानसभा सीट की तस्वीर देखने को मिलती है। वैशाली नगर 200 फीट बाईपास, झोटवाड़ा और कालवाड के साथ पृथ्वीराज नगर इस विधानसभा के प्रमुख इलाके हैं। झोटवाड़ा में 1980 के बाद हुए चुनाव में अब तक 4 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया यहां से विधायक हैं। लालचंद कटारिया गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री हैं। पिछले 25 साल के चुनाव नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिला है। 1998 में कांग्रेस के बाबूलाल नागर विधायक बने। 2003 में कांग्रेस के बाबूलाल नागर विधायक बने। 2008 में बीजेपी से राजपाल सिंह शेखावत विधायक बने। 2013 में बीजेपी से राजपाल सिंह शेखावत विधायक बने। 2018 में कांग्रेस से लालचंद कटारिया विधायक बने। झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर 3,56,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 2018 में सीट पर रिकॉर्ड 71.65% मतदान हुआ था। जातीय समीकरणों को देखें तो एससी एसटी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। झोटवाड़ा सीट का जातीय समीकरण करीब 66,000 जाट, 60,000 राजपूत, करीब 56,000 ब्राह्मण, 54,000 एससी, करीब 31,000 एसटी, 30,000 कुमावत, करीब 27,000 यादव, 11,000 महाजन, करीब 9,000 माली, 5,000 जांगीर, करीब 4,000 गुर्जर, 1,000 नाई, 10,000 अन्य समाज के मतदाता। झोटवाड़ा विधानसभा में पेयजल और स्वास्थ्य बड़ा चुनावी मुद्दा है। जेडीए की परमिशन के बाद बनी कॉलोनियों में पानी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। झोटवाड़ा सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे, पृथ्वीराज नगर में मूलभूत सुविधाओं का टोटा, विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में सड़कें जर्जर, कई इलाकों में सीवरेज की समस्या बरकरार, स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया का दावा है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने की हर संभव कोशिश की है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम कराया है। झोटवाड़ा विधायक के दावे, आवश्यकता तो और भी है, कई काम रह गए अभी तक। ये जो बता रहे हैं भाई, पानी की समस्या है ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो पानी की समस्या है हमारे क्षेत्र में, पानी बहुत कम है। अभी वर्तमान में जब कनक विहार की 2 रोडें तत्कालीन समय में बना दी गई, वोट के आधार पर बीजेपी के जो वोट थे उधर रोड बना दी और हमारे फर्स्ट लाइन में रोड नहीं बनाई। ऐसे वोट के आधार पर भेदभाव करने वाली यूडीएस मंत्री होते हुए शर्म आती है मुझे। मैं बाबूलाल मेहरिया आयदान का वास से हूँ। हमारी इधर संरक्षित खेती का बहुत अच्छा स्कोप है, तो पहले हमारे एक टारगेट बहुत कम आया करते थे संरक्षित खेती में। पोली हाउसों का बहुत अच्छा स्कोप है, तो पहले हमको साल में 10 या 15 एकड़ पोली हाउसों का टारगेट मिलता था। फिर अब गई दफे से जब अपने सम्मानीय गहलोत साहब और मंत्री महोदय जी ने अलग से कृषि बजट किया तो उसमें टारगेट अच्छे आए। पेयजल के लिए 200 करोड़, 1,000 नए ट्यूबवेल, पृथ्वीराज नगर में सीवरेज के लिए 752 करोड़ रुपए, पंचायत समिति मुख्यालय नवीन, तहसील मुख्यालय,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना। पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी विज्ञान प्रौद्योगिकी डिग्री कॉलेज। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल जमीनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चुनावी रण में बीजेपी जहां सत्ता छीनने के लिए बेताब है, तो वहीं स्थानीय विधायक को भरोसा है कि विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत झोटवाड़ा की जनता कांग्रेस को फिर मौका देगी। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का क्या है रिपोर्ट कार्ड, इस बारे में हम लोगों से बात करेंगे। ये वो एरिया है जहां की आबादी 30 साल से नल बिजली पानी की समस्या से जूझती रही है। पृथ्वीराज नगर का सबसे बड़ा भूभाग इसी इलाके में स्थित है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जहां अधिकांश मतदाता वो शहरी इलाके में रहते हैं, जबकि एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण आबादी में भी इस क्षेत्र में आता है, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों का एक मिक्स भारत यहाँ पर हम कह सकते हैं इस इलाके में है। किस तरीके से जो विधायक है उनके कामकाज का लेखा जोखा रहा है, क्या लोगों का सोचना है, इस पर हम झोटवाड़ा विधायक के कामकाज की रिपोर्ट पर बात करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो कामकाज हुआ है, चाहे सरकार का हो, विधायक का हो या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हो, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, आप बताइए कि 5 साल का लगभग समय होने जा रहा है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, आप क्या मानते कामकाज को लेकर, क्या आपका कहना है विधायक? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस क्षेत्र में आज एक जनता की ओपिनियन लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। पूरे झोटवाड़ा विधानसभा की एक ही आवाज़, एक ही नारा है भारतीय जनता पार्टी से, जन सेवक पूरी विधानसभा में जो आम जनता की सेवा करने वाला हो, लाडला जन सेवक आशु सिंह जी सूरपुरा, जो पूरे राजस्थान की ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की। हम विधायक विधायक रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान मौजूदा विधायक हैं उनका कामकाज किस तरह का रहा है और क्या उस पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे, किस तरीके से आप विधायक के कामकाज से आप? सर, मुझे यहाँ रहते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के विधायक मंत्री जी हैं और इससे पहले भी दूसरी सरकारों में भी मंत्री रहे थे, और मंत्री रहते हुए जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था वैसा कार्य यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन पर ये दोनों पार्टियों के भी मंत्री खरे नहीं उतरे हैं। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्री आशु सिंह जी सूरपुरा, जो आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या एक्सपेक्टेशंस थी विधायक से जो पूरी नहीं हुई? जी सर, यहाँ न रोड की व्यवस्था है, न पानी की है, न लाइट की है, न सीवरेज है, ये मूलभूत पब्लिक की जो सुविधाएं हैं यहाँ नाम मात्र किंचित मात्र भी नहीं है। यहाँ सारी कॉलोनियाँ अब धीरे धीरे एप रोड हो रही है। किस तरीके से इस कामकाज को आप देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियाँ और क्या कुछ उम्मीदें थी? मैं तो ये कहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो माननीय कटारिया साहब ने जो 5 साल की रहते हुए बिना जनता के बताए हुए काम पूरा नहीं किया। आप मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हैं, पानी की, बिसलपुर की पेयजल योजना कौन लेके आया? आपको पता है राजस्थान सरकार जो 563 करोड़ रुपये बोलने में छोटी बात होती है, लेकिन करने में, सैंक्शन कराने में बहुत बड़ी बात है। आप चिकित्सा सुविधा के अंदर बात करें, राजस्थान सरकार से मंत्री रहते हुए भी, जबकि चिकित्सा मंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी हर 5-7 पंचायतों के अंदर CSCयां खुलवाई हैं। जयपुर शहर में भी, शहर का पार्ट और ग्रामीण पार्ट हमारा आधा आधा पड़ता है। आप चिकित्सा सुविधा में कहीं किसी स्तर पर कमजोर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के द्वारा चिरंजीवी योजना और दुर्घटना बीमा, वो आप सभी वाली बात है, उसमें बीजेपी कांग्रेस कहीं नहीं है, दोनों को बराबर की सुविधा दे रहे हैं। रही बात विधायक के रिपोर्ट कार्ड की, विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आप बताएं बोरिंग पानी की सुविधा की बात करें, जबकि बीसलपुर पेयजल नहीं आया, मैं मानता हूं, और 5-7 दिन में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। 54 कॉलोनी प्रथम फेज में ले रहे हैं, और उसके बाद दिवाली तक, मैं गारंटी लेता हूं, दिवाली तक कम से कम 75% बीसलपुर पृथ्वीराज नगर बीसलपुर की पेयजल योजना से पानी पिएगा। जो आदमी कनेक्शन दे लेगा उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। रही बात पट्टों की बात, आज 2100 करोड़ रुपए की पेनल्टी, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कह दे कि 2100 करोड़ की पेनल्टी मात्र, चाहे उसमें बीजेपी का भी कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उन्होंने ऐसी कोई भावना नहीं रखी। बीजेपी और कांग्रेस के सभी पट्टेदारी कभी सभी मकान मालिकों को 2100 करोड़ रुपए का फायदा दिलाया, जो 8-10 साल पहले पट्टे मिल रहे थे, उन पट्टों की अगर बात करें, उनकी पेनल्टियों की बात करें, 1 रुपया भी पेनल्टी नहीं लगी जो 10 साल पहले
पट्टे दिए गए थे उन्हीं रेटों में पट्टे दिए जा रहे हैं। दूसरी बात अपन मूलभूत सुविधाओं की बात करें, रिपोर्ट कार्ड की बात करें मंत्री जी की या विधायक की, पिछले 10 साल पहले माननीय पूर्व विधायक जो कि यूडीएच मिनिस्टर थे वो इसको कायाकल्प कर सकते थे। आज देखिए शांति धारीवाल कांग्रेस के विधायक हैं और कोटा में कायाकल्प कर रखी है, वैसे माननीय राजपाल सिंह जी भी इस क्षेत्र को कायाकल्प कर सकते थे। आप बताएंगे कि आपको लगता है कि मूलभूत समस्याओं के साथ साथ और कौन सी ऐसी स्थितियां यहाँ होनी चाहिए थी जो इस कार्यकाल में जो नहीं हो पाई? कटारिया जी के पास, फिर कटारिया जी ने दो तीन काम बताए हमने बोरिंग की, उसी दिन बोल दिया था कि मैं करवा दूंगा, वो आज तक नहीं हुई। गोकुलपुरा के पास जस्ट उनकी जमीन के सामने है अपोजिट, आज तक वो बोरिंग नहीं हुई। और वो लगी लाइट भी आपके जैसे वहाँ से हाईकोर्ट से इष्ट है तो मैं आपको एक बार टेम्परेली लाइट की सुविधा करवा दूंगा आपकी पृथ्वीराज नगर के अंदर, तो वो भी आज तक नहीं हुई। सब वैसे चला रहे, चालान भरते आते रहते हैं। और अभी ये जो बोला था कि ये आपकी लाइट के इतने पैसे कम आएंगे, मैं कह रहा हूँ पहली बार इतने, मेरे नागौर से रहने वाला हूँ, दूरदराज मेरा गांव है, वहाँ पहली बार मेरा मकान बंद पड़ा रहता है। पहली बार उनका कह रहा था कम 100 यूनिट फिर की बजाय बंद पड़े मकान में 2500 रुपये बिल आया पहली बार, और मैं आपको बता दूंगा जेब में मेरे। विकास कार्य हुए हैं वो जनहित में, एक तरफ सरकार कहती है कि रसोई गैस सिलेंडर उन्होंने सस्ता किया है, मोबाइल बांटे जा रहे हैं, कितना फायदा आम आदमी को सरकार की योजनाओं से है? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या इन योजनाओं का लाभ रहा? भाई साहब लाभ तो पूरा मिल रहा है, गरीब बच्चियों को मिल रहा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, विधवाओं को मिल रहा है, पेंशनधारियों को मिल रहा है, बाकी मूलभूत सुविधाएँ जो सारी दी हुई है। रोड का एक भी खंभा ऐसा नहीं है जिसपे लाइट नहीं हो, रोडें सब जगह बनी हुई हैं भाई, पानी की लाइनें आ ही रही है बीसलपुर की। आपके विधानसभा क्षेत्र में उस विकास की रफ्तार क्या है, कितना आपको सहयोग दिखता है? हमारी जोटोड़ा विधानसभा में राजस्थान के 200 विधानसभाओं से सबसे ज्यादा विकास हुआ है, 1000 करोड़ के विकास कार्य हमारी विधानसभा में हुए पिछले 5 साल में। मैं 35-40 साल का हो गया, 40 साल से यही रह रहा हूँ, और मैंने 1990-91 में प्रताप सिंह खाचरियावास के उसमें समर्थन में पृथ्वीराज नगर का प्रतिनिधि तो करने वहाँ जाते थे मांगे रखने के लिए, इसको नियमन करो ये करो। पहली बार जोटवाड़ा में 2018 बाद कांग्रेस की सरकार लाचन जी बनने के बाद पहली बार इतने विकास कार्य मैंने तो मेरी जिंदगी में पहली बार देखे। सर देखो 5 साल में मैंने तो अपने वार्ड में अभी तक कोई ऐसी सुविधा देखी नहीं है जो कटारिया साहब ने करवाई हो। हमारे वार्ड में सरस्वती विहार के अंदर मंदिर तोड़वा दिया गया, हमारी सरकारी स्कूल तोड़वा दी गई, उसमें कॉलोनी काट दी गई, और हमारे जो CSC है उसमें कोई ऐसी विशेष सुविधाएँ नहीं है, और पानी की व्यवस्था आई तो थी लेकिन हमारे गांव तक पहुंची नहीं है। अभी वर्तमान में जब कनक विहार की 2 रोडें तत्कालीन समय में बना दी गई, वोट के आधार पर BJP के जो वोट थे उधर रोड बना दी, और हमारे फर्स्ट लाइन में रोड नहीं बनाई। मैंने लालचंद कटारिया से विनती की, उन्हें ये बात बताई, उन्होंने 7 दिन में मेरे वहाँ पर रोड बना दी। कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें जो विकास कार्य दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में किस स्पीड से हैं और क्या बेहतर होना चाहिए? मेरा नाम विनय चौधरी है, मैं पिछले 30 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। इस विधानसभा में जितना विकास हुआ है ऐसे जयपुर की किसी विधानसभा में नहीं हुआ, क्योंकि 30 वर्ष में 20 वर्ष तक सिर्फ ग्रामीण विधानसभा थी, और आज यहाँ गगनचुम्बी बिल्डिंगें देख रहे हैं आप लोग, और बीच में हाईकोर्ट की समस्या प्लस 2 बार UDS मिनिस्टर होते हुए जैसे भाई साहब ने कहा कोई पट्टी नहीं लगी। मैं भी 30 साल से देख रहा हूँ, मेरे भी दृष्टराष्ट्र की तरह कोई पट्टी नहीं बन रही, मैंने भी नहीं देखी। अलग अलग गांवों से जो ग्रामीण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप बताएंगे, आप अपना परिचय दीजिए, और यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उनके जो कामकाज हैं वो किस तरीके कामकाज हैं, और क्या कुछ आपकी आवश्यकताएं थी, कितने सपने आपके पूरे हुए? मैं शारदा सिपट, सरपंच ग्राम पंचायत कालक है। अगर देखा जाए तो जो शहरीकरण होता है उसके पीछे 3 कारण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से कमजोर नहीं है, आज हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र को माननीय मंत्री महोदय जी ने कवर किया है। दूसरा था चिकित्सा का, चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आज हर पंचायत स्तर पर एक प्राथमिक चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर बैठ करके उनकी देख रेख करेंगे। मतलब शहरीकरण को अगर देखा जाए तो वो कम हो जाएगा कि अपनी हर समस्या का समाधान हम हमारे स्थान पर ही प्राप्त कर लेंगे। तीसरा है रोजगार, रोजगार के क्षेत्र में देखें तो आज भी हमें कमी महसूस होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यवसाय है वो मुख्यतः पशुपालन या कृषि है,
तो पशुपालन और कृषि के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। तो कालक बांध में अगर पानी आता है तो इस समस्या का भी निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, अगर केंद्र सरकार भी इस पर अपना ध्यान दे। और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने वादा किया था कि कालक बांध को भी यमुना नदी से जोड़ा जाएगा, तो अगर वो अपने उस वादे को याद रख करके इसकी तरफ ध्यान देगी तो शायद ये समस्या भी पूरी होगी। राजधानी के नज़दीक था, फिर भी चाहे वो परिवहन की बात हो, सड़क की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, कुछ चीज़ें थी। किस तरीके से आप अपने विधायक के कामकाज को देखते हैं? जिस प्रकार से इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार था, निश्चित रूप से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, आज भी कुछ हद तक हम परेशान हैं, लेकिन काफ़ी समस्याएँ हैं जिनसे हमें निजात मिली है। जैसे डाणी से डाणी, गाँव से गाँव, जिसकी कनेक्टिविटी जो इन सड़कों से जोड़नी थी, ये वास्तव में स्थानीय विधायक जी ने निश्चित रूप से, मैं बीजेपी का हूं लेकिन मेरे यहाँ भी उन्होंने अच्छा काम किया है। किस तरह के काम की आपको उम्मीद थी, क्या काम हुए हैं और आप क्या कितना नंबर आप देते हैं अपने विधायक के कामकाज को? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये ग्रामीण और शहर का मिलाजुला क्षेत्र था। हालांकि राजधानी के सटे होने के कारण हमारे यहाँ काफ़ी समस्याएं थी, जिनकी सुध लेने के लिए मैं मंत्री महोदय को 100% नंबर देना चाहूँगा। और मैं बात भी कहना चाहूँगा कि जो एक विकसित विधानसभा होता है, विकसित क्षेत्र होता है, उनमें चीज़ें डेवलप करने के लिए होती है। शिक्षा का क्षेत्र होता है, युवाओं के लिए खेल का क्षेत्र होता है, पशुपालकों के लिए अच्छा चिकित्सा का क्षेत्र होता है और आम जन के लिए चिकित्सा का क्षेत्र होता है। हमारे जो मंत्री महोदय ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, उन्होंने 3 CSC हमारे धानक्या, कालवाड़ और जोमनेर में चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे मूलभूत आयाम स्थापित किए जिससे कि हर आदमी को निजात मिल सके। यहाँ पर किसान और पशुधन दोनों ही किसानी से जुड़े हुए हैं और यहाँ जो किसानी में काम हुए हैं, किसानों को जो सब्सिडियाँ मिली है, पशुपालन में जो सब्सिडियाँ मिली है, पशुओं की देखरेख के लिए हर ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय दिए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं। पहले इन सुविधा से हम जूझ रहे थे, वो पशुओं के बारे में काफ़ी आसानी हो गई है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु स्वास्थ्य केंद्र होना, 3 पंचायत छोड़ के पशु चिकित्सालय होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आसपास जैसे जोमनेर है सरकारी कॉलेज, उसके बाद अपने जयपुर में सरकारी कॉलेज, बीच के क्षेत्र में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे जैसे अब सरकारी कई गरीब भी हैं, अब वो प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज़्यादा रहती है तो उस वह जा नहीं सकते। अब सरकारी कॉलेज के लिए यहाँ से कम आप 30 किलोमीटर जाएगा बच्चा। जैसे यहाँ पे एक पशुपालन की बात कर लें तो पशुपालन में जैसे आज चारा 15 रुपये किलो, यानी 1500 रुपये क्विंटल चारा है। जिस हिसाब से चारे की दाम है उस हिसाब से दूध के दाम नहीं है। बताइए कि यहाँ जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, वो आपके अरमानों पर कितने खरे उतरे हैं? 100% खरे उतरे हैं। दूध से ले लो आप, 5 रुपये बोन्स दे रहे हैं आप, तार में जो पशु आवारा पशु परेशान करते थे उसके लिए तार बाउंड्री का वो काम किया है, उसमें सोलेट भी दिया है, पहले 15 फुट पे, 20 फुट पे गुतवा जाड़ी, उनमें भी खूब राहत दी है, फार्म भरने में आसान किया है। किस तरीके प्रशासनिक और शिक्षा और इन क्षेत्रों में काम हुए, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन पर आपके विधायक को आप संतुष्ट हैं उनके कामकाज से, या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? सबसे पहले मैं संतुष्ट हूँ कि हमारे उपखंड का दर्जा मिला जोबनेर को, तो जिससे किसानों को आसपास की सुविधाओं का लाभ मिला। दूसरी क्या है कि वेटनरी यूनिवर्सिटी दी, जो बीकानेर थी, काफ़ी दूर थी, उसका लाभ हमारे बच्चों को, किसान को बच्चों को नहीं मिल रहा था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार आए तो नेक्स्ट टाइम जैसे MRC कैंप चले हैं, प्रशासन गांवों के संघ कैंप चले हैं, अगर राजस्व विवाद निपटाने के लिए कैंप चलाए जाए, प्रत्येक पंचायत वार्ड पर कैंप हो और प्रत्येक किसान को उसकी जो जमाबंदी में उसके रिकॉर्डेड ज़मीन है, जैसे किसी के रास्ते का विवाद है, सीमा का, अगर मौके पर ही पैमाइज कर दी जाए और पत्रगड़ी जो गवर्नमेंट अभी दे रही भी है पैसा फेंसिंग के लिए, तारबंदी के लिए, मैं तो कहता हूँ उस किसान को जितना उसका रकबा है उस रकबे की पैमाइश हो मौके पर, उसके रास्ते का समाधान हो और जो फेंसिंग हो रही है सरकारी पत्र हो और उस पर बाकायदा लिखा जाए राजस्थान सरकार, ताकि उस कोई पत्र को डिस्टर्ब नहीं करे और हमारे किसानों के बीच में कोई विवाद नहीं है। जाहिर है माननीय विधायक महोदय ने यहाँ भरपूर काम किए हैं, बस एक हमारी गुजारिश ये कि ये डार्क जोन है और जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ में नदी से नदी जोड़ने का प्लान दिखाया था, और हम ये गुजारिश करना चाहते हैं हमारे विधायक और मंत्री महोदय से कि वो केंद्र सरकार को ललकारे और इसको धरातल पे उतारे, तो ये क्षेत्र बड़ा स्वर्णिम अक्षर में नाम लिखा सकता है।
तो मंत्री जी अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। आवश्यकताएं तो अनंत होती है कि कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी ने एक प्लान के द्वारा और अपना एक प्लान बढ़ा के ही काम किया। क्या किसी ने ये कहा था कि कृषि बजट है ना अलग से है ना होना चाहिए? तो इस प्रकार से खुद 3-4 घंटे अलग से बैठ के पूरे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण के लिए है ना मॉनिटरिंग करते हैं और उसी प्रकार से काम करते हैं। आप बताइए, आपको आपके विधायक आपने जब पिछली बार चुना था तब आपकी उम्मीदें थी क्या थी और आपकी उम्मीदों पर किस तरीके से आपके विधायक खड़े उतरे? हमारे विधायक श्रीमान लालचंद कटारिया जी की जितने और हम पंचायत समिति जोमनेर की तरफ से और जोठवाड़ा विधानसभा के क्षेत्र से जितने गुणगान करें उतने ही कम है। किसी भी व्यक्ति ने दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति ने माननीय मंत्री महोदय को ये नहीं कहा कि बेगस से वाया पचार हिंगोणिया करणसोर होती हुई सड़क बनाई जाए। माननीय मंत्री महोदय ने आगामी योजनाओं को और आगे पीढ़ियों के का भविष्य को देखते हुए उन्होंने अजमेर रोड से टोंक से अजमेर रोड डायरेक्ट सिक्कर रोड पे ये रोड जोड़ रहे हैं। इसका परसों ही उद्घाटन हुआ है, काम चालू हो गया है। इसका प्रधान जी बता रहे थे जोमनेर माता ज्वाला माता का वो कुल देवी इस क्षेत्र की, वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, बालाजी के भक्त भी है, हनुमान भक्त है, सब चीज़ें यूनिवर्सिटी वेटेंद्र यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं। चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र में आए और यहाँ सौगातों का पिटारा भी खोला, यहाँ हमने पक्ष और विपक्ष दोनों से बात की। चूंकि जिस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं राजस्थान में जयपुर ग्राम जो का जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ की जो ग्रामीण आबादी है और साथ ही कोटा जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं इतनी लंबी फेरिस्त बहुत कम विधानसभा क्षेत्रों की राजस्थान में है। तो ये जो लोग हैं स्थानीय लोग ग्रामीण लोग हैं इनका मानना है कि जो विकास कार्य हुए हैं वो कि यहाँ पर विधायकों की सराहना लोगों के द्वारा की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव हैं, अब देखते हैं कि लोगों की सराहना विधायक को कितनी राहत दिलवा पाती है। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ राकेश शर्मा जोबनेर कालवाड़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए।